मासी आयो आयो जी 5000 मिलना ना। हां जी ओ रगे पे चलो कुछ ना कुछ आज एक हमारे राजकुमार कैंसर पेशेंट थे, वो चंडीगढ़ में एडमिट हैं। उनके परिवार वाले मेरे पास आए थे हफ्ता पहले, तो उनकी सारी फाइल मैंने देखकर कमेंट कर डीसी मैम को भेजी थी, डीएम साहब को, तो उन्होंने आगे रिकमेंड करके, चेयरमैन है वो हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के भी, तो उन्होंने 25,000 रुपये सेंक्शन करके आज उनको हम लेटर दे रहे हैं उनके रिलेटिव्स को। वो तो चंडीगढ़ में हैं और 10 मिनट के बाद उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसी तरह वार्ड नंबर 29 से हमारे सुनीता बहन जी हैं, ये बीमार हैं, शुगर है इनको, काफ़ी तकलीफ़ है, कोई इनकी इनकम नहीं है, इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। इनकी भी फाइल मैंने रिकमेंड करके भेजी थी डीसी साहब को, उन्होंने इनके ये भी 25,000 रुपये दोनों को सैंक्शन किया है। मैं अपने डीसी सुषमा डॉक्टर सुषमा चौहान जी का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने जो एक सही काम, जो आज एक पेशेंट हमारा वहाँ चंडीगढ़ में जूझ रहा है, उसके लिए एक सपोर्ट की है उस परिवार के लिए। और एक जो वार्ड नंबर 29 ऑनरेबल हमारे चौधरी साहब सुनीता चौधरी जी मेरे साथ हैं, एक इनकी वार्ड का केस था 2 नंबर गली का सुनीता जी का, इनको भी आज 25,000 रुपये इनके अकाउंट में भी आ जाएगा। चलो पैसा क्या करता है, लेकिन थोड़ी बहुत ही सपोर्ट होती है। आज जो पेशेंट है उसको 10,000 रुपये लगभग दवाई, 15,000 रुपये महीने की मेडिसिन ही लगती है, एक मॉरल सपोर्ट है। तो मैं बड़ा भारी आभारी हूँ अपने डिप्टी कमिश्नर साहिबा का कि आगे भी जो कोई ऐसी कोई मजबूर केस होता मैं उनके पास भेजता हूँ, वो उस पर पूरा गौर करती हैं। और आगे भी उम्मीद करता हूँ कोई ऐसा कोई जेन्युइन केस होगा, परेशान होगा, उसके लिए हम पूरी हेल्प करेंगे।